पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, 1800 कांस्टेबल को रिक्रूट करेगा। मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या पेपर में आएगा, फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैक्सिमम शेयर करना, और अगर आपने द कोचिंग कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आज की डेट है 29 फरवरी। आज 29 फरवरी को पंजाब पुलिस ने रिक्रूटमेंट करने का नोटिफिकेशन इशू किया है, पुलिस कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट कैडर में और एक आर्म्ड कैडर में। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वो 14 मार्च 2024 है, यानी कि 14 मार्च से इसके एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएंगे और ये 4 अप्रैल तक आप लोग इनके फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1800 निकली है। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूंगी, कुछ वैकेंसीज की डिटेल है, मैं एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल द कोचिंग कॉन्सेप्ट पे शेयर कर चुका हूँ, तो ये पूरी आप लोग देख लेना, पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट है, पोस्ट की डिटेल है। हम डायरेक्ट जो बात करते हैं वो करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी सैलरी की। अगर मैं बात करूं तो सैलरी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो जो भी पंजाब कांस्टेबल का जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 19,900 मिनिमम पे, ठीक है, और 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 3 साल तक 19,900 इसका पे स्केल रहेगा कांस्टेबल का। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी आपको पता है इंडियन होना चाहिए, ठीक है, एंड एज लिमिट इसकी 18 से 28 साल होनी चाहिए। मतलब अगर, ठीक है, जनवरी 1, 2024 को वो 18 साल का हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2024 तक जो 28 साल का है वो इस पे इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, और इसमें नीचे लिखा हुआ रिलैक्सेशन अप टू 5 years प्रेस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट हैज बीन ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC एंड बैकवर्ड क्लास। मतलब 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी SC और बैकवर्ड क्लास को, उसकी वजह से 5 साल की रिलैक्सेशन की वजह से उनकी अपर एज लिमिट जो है वो 28+5 कर दो 33 साल हो जाएगी। मतलब SC ST वाले या फिर OBC वाले इसको 33 साल तक भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा, एंड देखो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10+2 चाहिए, और अगर 10+2 से कोई हायर डिग्री है वो भी इसमें चल जाएगी, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन इस पेपर को भरना चाहता है तो उसके लिए मैट्रिकुलेशन है, 10th पास है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशनड क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज 10th क्लास में कंपलसरी रहेगी इसके लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, देखो इसके लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड, अगर कोई मेल है तो उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच रहेगी, और अगर उसकी सेंटीमीटर में 170.2 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है, 157.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ चाहिए, और अगर कोई ट्रांसजेंडर अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए तो उसको फीमेल के स्टैंडर्ड्स के साथ उसकी फिजिकल स्क्रीनिंग होगी, मतलब 5'2" ही उसकी हाइट रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में 3 स्टेजेस रहेंगी। स्टेज 1 में एक MCQ पेपर होगा, उसमें कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और स्टेज 2 में फिजिकल होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे, एंड स्टेज 3 में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी, एंड स्टेज 1 में पेपर 1 एंड पेपर 2। अब देखो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और पेपर 2 पंजाबी लैंग्वेज का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और विद 50% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। मतलब देखो 50 क्वेश्चन पंजाबी के आएंगे, उसमें से हमारे पास 50% नंबर आने चाहिए, मतलब 50 में से 25 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, जो पेपर 1 है ये हमारा बेसिक पेपर है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आएगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगी, और 4th सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज और डिजिटल लिटरेसी। इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर है आपका, ये कंप्यूटर आएगा, और मैंडेटरी पेपर जो 1 घंटे का होगा 50 नंबर का वो। अब देखो इसकी डिवीजन कैसे करी हुई है, देखो
जैसे मैं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं, टोटल पेपर ना 2 घंटे का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगी 35 क्वेश्चन है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी ऑफ पंजाब एंड बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखो ये 35 मार्क्स है ना, तो मैं जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि इन 35 मार्क्स में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के होंगे। तो करंट अफेयर्स एक आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन में, तो फोकस करंट अफेयर पे ज्यादा रहना, बाकियों के भी करना बट करंट अफेयर को थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक लिखे हुए हैं, ये 20 मार्क्स का आएगा मैथ आपको, रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर की आएगी, पंजाबी लैंग्वेज स्किल 10 नंबर की आएगी और कंप्यूटर लैंग्वेज आएगी 5 नंबर के। उसके बाद पेपर 2 में क्वालिफाइंग पेपर 50 नंबर वाला। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, खुशखबरी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी अपनी लगातार अपनी तैयारी करके रखो। एंड फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये स्टेज 2 टेस्ट, ये वही जो मैंने बताया कि आपको पहले स्टेज 1 टेस्ट है, फिर स्टेज 2 फिजिकल है, ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। एंड उसके बाद फिजिकल टेस्ट के क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 1600 मीटर की रेस है जो कि 6 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है और एक ही चांस मिलेगा, और लॉन्ग जंप 3.80 मीटर है, उसके 3 चांस मिलेंगे। आप 3 बार ट्राई करो, 1 बार भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो। हाई जंप 1.10 मीटर है, इसके भी 3 चांस मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए जो 1400 मीटर की वॉक करनी है एंड रन टू बी कंप्लीटेड इन 12 मिनट्स, ओनली एक चांस मिलेगा। 10 फुल स्क्वाट्स है विद 3 मिनट्स। एंड फीमेल्स के लिए जो 800 मीटर रेस है वो 4 मिनट्स और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है, देखो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और लॉन्ग जंप 3 मीटर का है, हाई जंप 0.95 मीटर का है। आगे देखते हैं, तो ये बेसिक, ये जो मेन डिटेल है वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी। आगे वही चीजें इस पूरी एडवर्टाइजमेंट में वही चीजें लिखी हुई हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट है वो पंजाब के इस वेबसाइट पे आ जाएगा। और इसके पेपर को आप लोग जो है ना, इसके अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स, अब सर्टिफिकेशन भी मेन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ज्वाइनिंग, अब मैं मेंशन ये हमने कर दिया। अब एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस जनरल वालों के लिए देखो 500 रुपए है और एग्जामिनेशन फीस 350-650, तो टोटल 1150 लगेंगे भाई जनरल वालों के। और एक्स सर्विसमैन के 500 रुपए लगेंगे, SC ST के लिए 650 लगेंगे टोटल, इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन के लिए भी 650 लगेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इस दी हुई वेबसाइट पे जाके आप लोग क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप लोग भर सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी डेट भी बताई है, डेट जरूर याद रखना, ठीक है। और एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आप लोगों को ये सब चीजों का ध्यान रखना है। कैंडिडेट को रिक्वायर्ड अपलोड करना पड़ेगा, क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, कोई आईडी प्रूफ जब फॉर्म भरेंगे, पर्सनल डिटेल, एड्रेस प्रूफ, वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, ये सब उनको भरना पड़ेगा। एंड ठीक है, डिटेल सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर करके चल लेना। तो मेन चीजें क्या है कि हमारी हेल्प डेस्क बना रखा है उन्होंने, ठीक है, कोई अगर इश्यू आता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो मेन हमारी जो डिटेल्स हैं, जो डेट्स हमने जो नोट करनी है वो नोट करनी है, 14 मार्च से एप्लीकेशन शुरू है। पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे जाके आप लोग इसको फिल कर सकते हो। तो पंजाब पुलिस में 1800 जो है वो रिक्रूटमेंट आई है, तो कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट है, इस चांस को मिस मत करना। जितनी मेहनत कर सकते हो, जी तोड़ मेहनत कर सकते हो, उतनी मेहनत करके आगे बढ़ो और इसमें सिलेक्शन लेके हटना। तो पंजाब पुलिस की कोचिंग के लिए आप लोग द कोचिंग कॉन्सेप्ट विजिट कर सकते हो, SCO2 सेक्टर 15C पोस्ट ऑफिस के नियर है,
चंडीगढ़ में, और इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, हम लोग मोस्ट जेन्युइन रेट पे बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और बहुत सारे बैचेस हमारे पंजाब पुलिस के मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, सीट्स जो है वो लिमिटेड रहेंगी और फर्स्ट ऑन फर्स्ट बेसिस पे ही एडमिशन की जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।